हेलो हाय नमस्कार एवरीवन। जैसे कि मुंबई में हर जगह मेट्रो का ही काम चालू है, वैसे ही नवी मुंबई में एक मेट्रो का काम चालू था बट अभी बन के रेडी हो चुका है, जो कि बेलापुर से लास्ट स्टेशन पेड़ार तक है और ये ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर कवर करता है। इथे बेलापुर स्टेशन ला आले आहोत। समोर बेलापुर स्टेशन है आणि समोर स्टेशन मेट्रो है, तर आपला एकदम जवळच जाण्यासाठी सगळ्यांनी इथे विजिट। मेट्रो बन के रेडी हो चुका है, हमेशा से कोई नई चीज़ देखने का तो एक्साइटमेंट होता ही है, तो हम लोग चले गए ये नए मेट्रो का सफ़र करने। हमने ये मेट्रो स्टेशन बेलापुर से, हम लोग फर्स्ट स्टेशन जो है बेलापुर, वहाँ से हम लोग मेट्रो में चढ़े और हम लोग लास्ट स्टॉप पे उतरे जो कि पेड़ार है। एंजॉय किया हमने ये मेट्रो। ये मेट्रो का कॉस्ट फर्स्ट टू लास्ट स्टेशन 40 रुपीज़ है सिंगल टिकट, तो आने जाने का 80 रुपये जाएगा और 18 किलोमीटर्स कवर करता ही है। बट इट वॉज फन, कुछ नई चीज़ देखने मिली, नया मेट्रो देखने मिला, इट वॉज फन। अगर आप लोग नहीं गए हो तो एक वन टाइम एक्सपीरियंस करने तो चले जाना नए मेट्रो में। और कुछ ऐसा तो बहुत खास तो नहीं है, बट सही है। एक चीज ध्यान देना, जब भी कोई स्टेशन आता है तो ये बहुत कम टाइम के लिए चालू होता है दरवाजा, आप नोटिस करना, हार्डली फ्यू सेकेंड्स। इसे अभी अपन काउंट करेंगे और ये डोर ओपन हुआ, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 6 7 8, मेरे ख्याल से 8-9 सेकेंड खाली, बस उतने टाइम में आपको चढ़ जाना है उतर जाना है। ये मेट्रो का सबसे ज़्यादा फ़ायदा, जो लोग तलोजा में एकदम अंदर रहने वाले उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है, और तलोजा में जहाँ पर सिडको का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वहीं पर नज़दीक में ये मेट्रो का लास्ट स्टॉप है, तो सिडको ने कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए तो ये मेट्रो का काम बहुत सही तरीके से किया है, क्योंकि उनका जो लास्ट स्टॉप है सिडको का, जो लास्ट कॉलोनी है वहाँ पर, जस्ट उसके पास में ही इसका लास्ट स्टॉप है, तो सिडको तो बहुत फ़ायदे में है। तो ये छोटा सा प्यारा सा वीडियो था जो मैंने आपके साथ शेयर किया जब मैं मेट्रो ट्रैवल करने गया था, और ये एक दो फोटोज़ मैंने क्लिक किए, और हाँ जब मैं मेट्रो के अंदर से मैंने एक हाइपरलैप्स बनाया था जो मैं ऐड कर देता हूँ, आप देख लेना। जब कभी ऐसा मेट्रो बन के रेडी होता है तो अपने को लगता है वाह यार कितना अच्छा हो गया, अब जो लोग रोज़ काम पे आने जाने वाले हैं उनको कितना अच्छा हो गया, कितना सही हो गया कि वो लोग इतना फटाक से अपने काम पे पहुंच जाएंगे। पर जो मिडिल क्लास पब्लिक है जो इस रूट में ट्रैवल करेंगे, जिनको काम पे जाना होगा, उनका सैलरी एक मिडिल क्लास पब्लिक का इतना ज़्यादा नहीं रहता। अगर वो आने जाने का रोज़ 40-40-80 रुपीज़ क्या एक मिडिल क्लास पर्सन अफोर्ड कर पाएगा 18 किलोमीटर्स के लिए, वही आपको बस 20 रुपये या 25 रुपये में छोड़ देगा वहाँ पर कि आप 40 रुपये दोगे वही डिस्टेंस के लिए। आई नो टाइम बहुत बच जाता है, बट कहीं ना कहीं अगर रोज़ 40 रुपीज़ सिर्फ जाने के लिए देना है और आने के लिए 40, तो वो क्या पॉकेट फ्रेंडली है, ये सवाल उठता है। आई नो मंथली पास भी अवेलेबल होता है, बट मंथली पास ऐसा तो नहीं है ना 300-400 में मिल जाएगा, उसका भी अपना एक कॉस्ट होगा। अगर 40 रुपीज़ सिर्फ जाने का टिकट है और आने जाने का 80 जा रहा है, तो मंथली पास में ऐसा तो है नहीं कि भाई रोज का खाली 10-20 रुपये पड़ेगा, वो भी तो उसका भी रेट वैसा रहेगा। तो क्या एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए अफोर्डेबल रहेगा ये कॉस्ट, ये मेरे मन में सवाल उठता है। अगर आपके पास इसका कोई जवाब है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स कमेंट कर दो। जस्ट एक सोच रहा था मैं, क्या ये कितना पॉकेट फ्रेंडली रहेगा लोगों के लिए, और कितना, क्या रियली एक मिडिल क्लास पर्सन जिसका बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं है, क्या इस मेट्रो का उससे कोई फ़ायदा हो पाएगा। जैसे कि अभी मेरी वाइफ ऑलमोस्ट यही रूट पे पहले काम पे थी, तो अगर उसको जाना रहता तो वो बोली मैं तो रोज़ का भाई 40 रुपये नहीं दे सकती थी, वो तो वैसे भी कंजूस है, और रोज़ का 40 रुपये सिर्फ जाने का, लोगों को जाने में ही घाई रहता है, टाइम पे पहुंचना रहता है काम पे, आते वक्त तो पब्लिक बस से भी आ जाएगा, तो भी अगर रोज़ का 40 रुपये, ट्रेन का तो मैंने इसमें पैसा ऐड भी नहीं किया, तो वो भी पॉकेट फ्रेंडली थोड़ा नहीं लगता है। आई नो लग्जरी और चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग है, लग्जरी है, तो वो थोड़ा तो महंगा होता है, बट
आई वॉज जस्ट गिविंग अ थॉट, क्या इज दिस पॉकेट फ्रेंडली फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन, बिकॉज हर कोई बहुत ज़्यादा अर्न करने वाला नहीं रहता है यूजुअली. अपने मेट्रो सिटीज़ में मैक्सिमम पॉपुलेशन इज मिडिल क्लास, तो थिंकिंग अबाउट देम. बाकी मेट्रो तो बहुत अच्छा बना है, आपको कैसा लगा वीडियो देख के, और क्या आप ये मेट्रो से ट्रैवल किए हो मुझे कमेंट करके बताना. मैं तो जा कर के आ गया बेलटपुर टू पेडार, एक्चुअली कामोटी के अंदर गांव में लास्ट स्टॉप है इसका, तो अच्छा है यार. बीच के जो स्टॉप्स है उन लोग को भी बहुत फ़ायदा है. अच्छा है भाई मेट्रो, एक बार जाओ घूम के आओ, मज़े करो. जब मुंबई में सबसे पहली बार मेट्रो बना था अंधेरी घाटकोपर तो अंधेरी, मुझे वो टाइम याद आ गया जब इस मेट्रो से ट्रैवल किया. तब एक बहुत ज़्यादा मुंबईकर्स में सब में क्रेज़ था, पहली बार मेट्रो अपने मुंबई में आया था, सब में बहुत क्रेज़ था भाई, सबको मेट्रो में पहली बार बैठना था. और मुझे जस्ट याद आया कि तब मेट्रो रिलायंस ने बनाया था और उसका टिकट सिर्फ 10 रुपये रखा था गाइस, सिर्फ 10 रुपये. लोग ऐसे मज़े से जा रहे थे भाई वो मेट्रो घूमने 10-10 रुपये में. ऐसा सिडको ने नहीं किया है.